assets. International Accounting Standard 38. कितने लोग हैं? थोड़ा सा ये लोग ज्यादा हो जाएं, क्योंकि आप लोग क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बहुत कम लोग ऑनलाइन हुए अभी तक. एक फैसिलिटेशन अगर तब तक हुआ तो एक फैसिलिटेशन भी अभी तक नहीं पहुंचे. अच्छा जी, शुरू करते हैं. व्हाट इज इनटेंजिबल एसेट? इनटेंजिबल एसेट्स क्या हैं? तो डेफिनेशन, नॉन करंट एसेट having no physical existence. ऐसे assets जिसकी physical existence नहीं होती. कोई example दे सकता है? ऐसे assets जो मेरे assets तो है लेकिन physically exist नहीं करते, जी बताइएगा. Very good Asif. Goodwill, very good Vakas, Koyor. Very good. मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ. मेरे ख्याल में आप सबका एग्जाम्पल होता Goodwill. ठीक है. Second. जी मलिक साहब, क्रिप्टो करेंसी इस डेफिनेशन में आती है लेकिन वो स्टिल किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. आप लिखते हैं यहाँ पे पैटर्न्स. कॉपीराइट्स. अगला फ्रेंचाइज, लोगो. अगला ट्रेडमार्क. सेवन सॉफ्टवेयर. एट इंटेलेक्चुअल property. 9 development cost. इन सब को बारी बारी explain करता हूं. Goodwill इसके लिए अलग से standard है, international financial reporting standard 10. तो इसको हम वहां पे पढ़ेंगे. गुडविल को भी नहीं पढ़ रहे. जब हम कंसोलिडेशन पढ़ेंगे तो वहां पे गुडविल पूरे डेफिनेशन के साथ, IFRS 3 के डेफिनेशन के साथ आ जाएगा. 10 और 3 एक साथ मिलते जुलते हैं. ठीक है. तो गुडविल का जो अपना स्टैंडर्ड है हम वहां पे पढ़ लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स में उसको नहीं पढ़ते. व्हाट इज पैटर्न्स? आप लोगों में से कितने लोगों ने फुनसुक वांगडू का सुना होगा? जी बताएं, फुनसुक वांगडू को आप जानते हैं? सही, सारे जानते हो ना. अच्छा, फुनसुक वांगडू की वो तारीफ करते हैं तो क्या कहते हैं? आप लोग एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा.
अच्छा जी, पैक फैसिलिटेशन को सबसे पहले मैं को होस्ट बना देता हूँ। सर आप मुझे नजर नहीं आ रहे, पैक फैसिलिटेशन। सर मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, फिलहाल आप नज़र नहीं आ रहे, एक दो मिनट बाद मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। तो फुनसुक वांगडू को मैं पढ़ा रहा था, व्हाट इज फुनसुक, फुनसुक वांगडू क्या था, उसमें एक साइंटिस्ट था और उसके बारे में चतुर क्या कहता था कि मेरी मुलाकात है फुनसुक Got how much patterns? बेटा आप लोगों ने भी फिल्म देखी है मेरी तरह। Very good आसिफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 400 patterns. Patterns कहते हैं इजाद को, वो इजादात जो टेंजिबल होते हैं वो patterns कहलाते हैं। शऊर बेटा मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, आप रिकॉर्डिंग सुन ले, ठीक है। तो पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स उन टेंजिबल एसेट्स को कहा जाता है जिसके जब आप क्या करते हैं, पैटर्न्स को खरीदते हैं तो उसके लिए पैसे देने होंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने क्लेशनकोव की एग्जांपल देखी होगी। व्हाट इज क्लेशनकोव? क्लेशनकोव रशियन साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने नाम से क्या किया, एक ईजाद बनाया क्लेशनकोव के नाम से, और वो वेपन पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हो गया, AK-47। अमेरिकन उसको AK-47 कहते हैं, रशियन उसको क्लेशनकोव कहते हैं। तो जब क्लेशनकोव मशहूर हुआ, गवर्नमेंट हर उस वेपन को बनाने का, एक आइटम बनाने का उसको पैसे दिया करती थी। और आप देखते हैं रशिया में क्लेशनकोव फैमिली काफ़ी मशहूर फैमिली है, पूरा एक स्टेट उन्होंने क्लेशनकोव के नाम से मंसूब किया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है बताना, वो कॉपीराइट है। व्हाट इज़ कॉपीराइट? कॉपीराइट है इनटेंजिबल चीज़ों को क्या करना, कॉपी करना। फॉर एग्जांपल कोई फिल्म बनाता है और आप उसी तरह की फिल्म क्या करते हैं, उसको देखकर उसी तरह की फिल्म, वही स्टोरी, वही डायलॉग्स नए लोगों के साथ बना लेते हैं। मार्केट में आपकी सीडी भी आ गई, उसकी भी सीडी आ गई, कुछ लोग आपका फिल्म खरीदते हैं, कुछ लोग वो फिल्म खरीदते हैं। तो जो ओरिजिनल जिसने फिल्म बनाई है उसको तो नुकसान है, या आप क्या करते हैं पायरेटेड सीडी के जरिए उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और लोग पायरेटेड सीडीज में वो फिल्म देख लेते हैं। तो जो ओरिजिनेटर है उसको नुकसान है, फिल्म लोग एक्चुअल सीडी नहीं खरीदते बल्कि पायरेटेड डीवीडी खरीद लेते हैं। तो कॉपीराइट में थॉट्स को क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है। आप अगर देखें तो आपके बुक्स में फ्रंट पेज पे या बैक पेज पे सी लिखा होगा कि दिस बुक इज कॉपीराइट, या कॉपीराइट आर रिजर्व टू BBP या कैपलन लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये फोटोकॉपी भी पाई गई तो इसका मतलब है ये कॉपीराइट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी है। हमारे पैक के साथ ऐसे हुआ कि जब ACCA वाले इंस्पेक्शन के लिए आए तो देखा बहुत सारे बच्चों के पास फोटोकॉपीड बुक्स थी, जिससे बाकायदा हुआ ये कि पैक का जो रजिस्ट्रेशन है उसको 2 महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया था कि आपके बच्चों के पास कॉपीराइट की खिलाफ वर्दी आप लोगों ने की है,
और उनके पास फोटो कॉपीज मौजूद है। फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज उस इदारे को कहा जाता है जो किसी इंडिविजुअल का होता है लेकिन वो किसी कंपनी का नाम यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इस टाउन में फ्रेंचाइज देखा होगा टेलीनॉर का। बेसिकली ये एक्चुअल टेलीनॉर के लोग नहीं है बल्कि ये किसी ने टेलीनॉर का फ्रेंचाइज लिया हुआ है। टेलीनॉर के साथ उनका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम आपके प्रोडक्ट्स को बेचेंगे जिसमें से आपको आपकी फीस देंगे जो पर सिम भी हो सकती है, पर इंक्वायरी भी हो सकती है, परसेंटेज के हिसाब से भी हो सकती है कि जब हमें पैसे रिसीव होंगे तो इतने परसेंट हम आपको देंगे। ये क्या कहलाता है? फ्रेंचाइज कहलाता है। फ्रेंचाइज के लिए जरूरी है कि आप क्या करें, जिसका नाम यूज कर रहे हैं वो आपको रिक्वायरमेंट्स बताएंगे और वही रिक्वायरमेंट्स आपको क्या करने होंगे, पूरे करने होंगे। होपफुली आप लोग समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगला है लोगो। लोगो उस निशान को कहा जाता है जिसके जरिए आपकी पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने यह निशान तो देखा होगा, ऐसी शील्ड सी बनाई जाती है जी, ग्रीन कलर की शील्ड बनाई जाती है, नहीं देखा? ये निशान तो देखा है जी। वकास, आपने बिल्कुल सही पहचाना, डिटॉल का निशान है। एक्चुअली ये निशान जो है ये रिकेट एंड कोलमेंट की है, सेकेंड निशान मर्सिडीज की है, ऐसा भी होता है, होंडा का, सुजुकी एस भी लिखा होता है, एक रोज राइज का भी बनाया जाता है, घोड़ा सा बना दिया जाता है। ठीक है, मैंने तो खैर कोई साम माम बना दिया है, घोड़ा बना दिया जाता है। इसी तरह से ये सारे निशान क्या है, ये लोगों के निशान है। लोगों का मतलब ये है कि अगर ये निशान पाया जाता है तो इसका मतलब है इससे कंपनी की पहचान हो। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रेडमार्क। अगेन वही चीज है, ट्रेडमार्क का मतलब है कोई ऐसा निशान जिससे पहचान हो लेकिन उससे प्रोडक्ट की पहचान होती है। ट्रेडमार्क में प्रोडक्ट की पहचान होती है। फॉर एग्जांपल, पेप्सी का अलग एक लोगो है, अब वो प्रोडक्ट का लोगो है। सॉफ्टवेयर बड़ा सिंपल है, हर वो चीज जो कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करते हैं और वो आपको फ्यूचर में फायदा दे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो नजर ना आती हो। फॉर एग्जाम्पल, पैक चाहता है कि मैं अपना कारोबार बेच दूं, तो पैक क्या क्या चीजें बेचेगा? नंबर वन, नेट एसेट्स जो टेंजिबल नजर आते हैं उसको बेचेंगे, प्लस गुडविल को बेचेंगे। पैक ने अपना एक ट्रेडमार्क भी बनाया होता है, वो टोपी वाला, उसको भी वो बेचते हैं। साथ साथ पैक ने अपने बुक्स बनाए हैं तो कॉपीराइट्स भी बेचते हैं। साथ साथ पैक ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं तो सॉफ्टवेयर्स को भी बेचेंगे। साथ साथ पैक ने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, बहुत सारे टीचर्स की रेप्यूटेशन बिल्ड की है,
तो अगर पैक इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहता है, किसी और के हवाले करना चाहता है, तो उन टीचर्स पर जो मेहनत की गई है, उनको जो उनका जो टाइम है उसको भी बेचा जाता है। इसी तरह टीचर भी क्या करते हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपना रेपुटेशन बेचते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई टीचर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि सैलरी लेगा, वो साथ साथ ये भी कहता है कि चूंकि मैंने विजिटिंग टीचर या परमानेंट टीचर्स के वजह से चूंकि मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ टाइम दिया है, रेपुटेशन बिल्ड की है, इस वजह से आप क्या करेंगे, उस रेपुटेशन के मुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगे। स्किल्ड स्टाफ जिसको कहा जाता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। ठीक है, वेरी गुड नजीबुल्ला। नेक्स्ट है डेवलपमेंट कॉस्ट, इस पर बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग इन सब चीजों को देख लेते हैं कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। बेटा इंटेंजिबल एसेट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, नॉन करंट एसेट्स आते हैं। जी माज बताइएगा, पेटेंट्स ईजाद को कहते हैं, कोई ऐसा ईजाद जो टेंजिबल हो। जाहिर है जब आप ईजाद करते हैं तो आप अपने पेटेंट्स रजिस्टर्ड करते हैं। पाकिस्तान में एक इदारा है IPO के नाम से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आप यहां से क्या करते हैं, पेटेंट्स रजिस्टर्ड कराते हैं। एक बार पेटेंट्स रजिस्टर्ड हो गए फिर उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। अगर उसने कॉपी करना है तो आपसे इजाजत लेंगे, और आप इजाजत किस फॉर्म में देते हैं, जब आपको कैश मिलता है तो आप इजाजत देते हैं। कॉपीराइट पेटेंट राइट एक ही तरह होते हैं। मैं जरा कॉपीराइट की एक एग्जांपल दे दूं। कॉपीराइट की एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, मैं एक सेकंड ये बंद कर दूं। एक बंदा है जो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ लिखना चाह रहा होता है, तो मैं डिसेबल कर दूं उसको। सही है बेटा, अब आप लिखो स्क्रीन पे, जितना लिख सकते हो लिख लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल देता चलूं कॉपीराइट की। आप लोगों में से कितने लोगों ने एक और फिल्म है बागबान के नाम से देखी है? जी बताएं, किसी ने देखी है बागबान फिल्म? नहीं देखी। इसमें अमिताभ बच्चन हीरो होता है, ठीक है, अब बुढ़ापे में वो हीरो बनता है उस फिल्म में। और होता ये है कि जब ये रिटायर हो जाता है, बच्चों को बुलाता है, बच्चे उनको अलग कर लेते हैं कि ठीक है माँ मेरे पास रहेगी, बाप किसी और के पास रहेगा, वगैरह वगैरह। तो वो क्या करता है, अपनी इस पूरी जिंदगी पर कहानी लिखता है, और उस कहानी को वो क्या करता है, जब लिख लेता है तो वहाँ पे एक और लड़की होती है जो उसके इस पूरी कहानी को रजिस्टर्ड करा के बुक की शक्ल दे देती है। अब उसको पैटर्न्स मिलते हैं या कॉपीराइट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। कैसे, जब कंपनी उसके किताब को बुक के शक्ल को बनाकर उसको बेचती है तो इससे इजाजत लेते हैं, और उसको 10 लाख रुपए का चेक दे दिया जाता है कि आप इसको संभालें, और साथ साथ हमें इजाजत दे दें कि हम पहला बेच इस बुक का निकालें। यानी पहला बुक बिक जाता है, उसको दूसरा बेच के लिए दोबारा 10 लाख रुपए दिए जाते हैं।
दूसरा बेच भी तकरीबन बिकने के करीब होता है, उसको तीसरे बेच के भी पैसे मिल जाते अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे होते होते उसको 2-30 लाख रुपए मिल जाते हैं और वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर देता है। एनीहाउ अच्छी फिल्म है, आप लोगों को देखनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे फिल्म भी रिकमेंड करता रहूंगा साथ साथ, ठीक है बेटा। कोशिश करें फिल्म में देखें तो सिनेमा हॉल में देखें, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। जी बिल्कुल, नेवी कोई और सिनेमा है पाकिस्तान में? अच्छा जी, अब आते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट की तरफ। व्हाट इज डेवलपमेंट कॉस्ट, पहले सबको पढ़ते हैं फिर इन सब की डेप्रिसिएशन कैसे होती है उस पर बात करते हैं। आपको डेवलपमेंट से पहले एक और चीज का पता होना चाहिए, व्हाट इज रिसर्च। जी रिसर्च क्या चीज है बताइएगा। मैं माइक भी ऑन कर लेता हूं, कोई बोलना चाहे तो बताएं। रिसर्च क्या चीज है? इन्वेस्टिगेशन। कोई और बंदा जी बेटा बताइएगा, व्हाट इज रिसर्च। मैं बता दूं, रिसर्च का मतलब है टू एक्वायर नॉलेज अबाउट समथिंग। एक एग्जांपल देता हूं, आपने किसी भी जगह जाकर आग जलाई है, ठीक है, आप इस कोयला को उठा लेते हैं अपने हाथ में तो आपका हाथ जल जाता है। क्या आप उस कोयले को दोबारा उठाएंगे? ना समझी में, आपने एक मरतबा कोयले को उठा लिया है, हाथ जल गए, क्या आप दोबारा उस कोयले को उठाएंगे? नहीं उठाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपने नॉलेज एक्वायर कर लिया है कि कोयले को, गर्म कोयले को उठाने से हाथ जल जाता है। इसका आपको फ्यूचर में कोई फायदा है? कोयले को हाथ में उठाने का मुझे कोई और फायदा नहीं है, बस ठीक है मैं आइंदा नहीं उठाऊंगा, मुझे कोई फायदा तो नहीं है, ना उठाने से मुझे कोई मसला तो नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं किसी जगह गया शाम को, काफी अंधेरा था तो मुझे घबराहट में सुई में वापस हो गया। क्या दोबारा मैं शाम को उस साइट पे जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। शऊर बेटा, बस आपको पता चल गया ना कि कोयला हाथ जलाता है, ठीक है, तो दोबारा आपको कोयला उठाने की क्या जरूरत है? कोयला उठाने से कोई मसला है? आपको कोई फायदा होता था? नहीं ना। बस आपने देखा कि कोयला नहीं उठाना चाहिए, आपने नहीं उठाया। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं मैं कैंसर बनाने के लिए रिसर्च करता हूं, कैंसर की दवाई बनाने के लिए रिसर्च करता हूं कि मैं कोई दवाई ईजाद करूं। आप गए
बड़े बड़े जंगलात में गए, वहां आपको कुछ नहीं मिला। तो आपको कोई फायदा हुआ? नथिंग। या आप ये देखते हैं कि वो कौन सा दरख्त है जिसको आग नहीं लगता। बेटा आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे इलाज हो। अगर इलाज नहीं है तो इसका तो आपको फायदा नहीं है। हाँ ये इन्वेस्टिगेट कर लो कि इसमें इलाज मौजूद है तब फायदा है। देखिए आप चीजों को इस तरह समझे, मैं मेरा पर्पस है इलाज दरियाफ्त करना। मैं गया बहुत सारे साइंटिस्ट को लेकर गया, बहुत सारे दरख्तों पर हमने टेस्ट किए, पता चला जंगलात में कैंसर का इलाज नहीं है। तो उसका मुझे क्या फायदा हुआ? उल्टा नुकसान ही मैंने किया है। उल्टा मैंने जितने भी खर्चे किए वो सारे के सारे लॉसेस में चले गए, फायदा मुझे कुछ नहीं हुआ वहां से। शऊर अब क्लियर है? समीर बेटा आपको बता दूं, बिजनेसमैन एक्सपीरियंस के लिए सब कुछ नहीं करता, पैसों के लिए करता है। अगर आपको एक जगह से फायदा नहीं मिलता, बेनिफिट्स नहीं मिलते, तो सारे का सारा एक्सपेंस हुआ, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। कहने का मकसद ये है कि आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स इसके नहीं मिलेंगे, इसलिए आप उसको एसेट नहीं लिख सकते। जी समीर अभी क्लियर है? देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एसेट्स पढ़ा रहा हूँ। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, मुझे फायदा होगा तो मेरा एसेट है, मुझे फायदा नहीं हुआ तो मेरा एसेट नहीं है। जितने भी खर्चे किए वो एक्सपेंस में चले गए। जी बिल्कुल, आपने फ्यूचर के बेनिफिट्स को अपने माइंड में रखना है कि मुझे ये फायदा देता है या फायदा नहीं देता। ठीक है, क्योंकि होता क्या था, लेकिन मैं अब आपको जरा टेक्निकल साइड पे लेकर चलता हूं। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। सही है? अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उस पर आप खर्चा करते हैं। में भी आपने खर्चा नहीं किया, उस पर पैसे लगाए, वो पैसे आपको ही मिलते हैं बैकडोर से। एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया, खुद ही उसका हेड बना, वो पैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मद में मेरी तरफ आते हैं और मैं उसको अपने घर ले जाता हूँ, मैं ओनर भी हूँ। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे निकालता हूँ, इन अदर वर्ड्स मैं ड्रॉइंग्स कर रहा हूँ। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आ रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। क्या ये रिसर्च हमें कोई फायदा देता है? नहीं देता ना। हुआ ये कि मैंने हर बार लिखा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, आपने एक बहुत बड़ा एसेट बना दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कि मैंने इन पर खर्चे किए हुए हैं। आप इस कंपनी को बेचते हैं, आप उसे कहते हैं जो नया ओनर है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर देखो मैंने खर्चा किया हुआ है। नया ओनर कहते हैं मुझे क्या फायदा है इससे। आपको आप ये कहते कि जी हमने रिसर्च किया, जंगलात गए, वहां हमें पता चला कि कैंसर का कोई इलाज जंगलात में नहीं है। वो जवाब में कहते हैं तो मुझे इससे क्या फायदा होगा, मैं तो जंगलात में या सब रिसर्च करूंगा या नहीं करूंगा, मुझे तो उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ कोई ऐसा रिसर्च जिसके स्टडी से ये पता चले कि फ्यूचर में मुझे फायदा होगा, उसको हम डेवलपमेंट कॉस्ट बनाते हैं। इसका मतलब अगर मुझे कोई फायदा नहीं मिलता है करेंटली, हम उसको रिसर्च कहते हैं, और अगर मुझे फायदा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं,
डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं. तो व्हाट इज रिसर्च टू एक्वायर नॉलेज अबाउट समथिंग, दिस मस्ट बी एक्सपेंस्ड आउट व्हेन इनकर्ड. जब भी आप इस किस्म के खर्चे करते हो फौरन आप उसको क्या लिखते हो, एक्सपेंस लिखते हो. स्टैंडर्ड हमेशा से मे माइट कैन कुड का लफ्ज इस्तेमाल करता है. मस्ट और शुड का लफ्ज आप इधर फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे. इसका मतलब है कि इन एनी केस रिसर्च मस्ट बी एन एक्सपेंस आउट, ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा. सही है बच्चे? सही. अब वो ये कह रहे हैं कि फिर डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है जब आपने उस सब को रिसर्च के लिया. तो डेवलपमेंट कॉस्ट इज द प्रैक्टिकल, या मैं इसको ऐसे कहता हूं, द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट. रिसर्च का एप्लीकेशन क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कॉस्ट कहलाता है. रिसर्च का एप्लीकेशन क्या है? कोई ऐसी चीज मुझे पता चलती है कि अगर मैं इस रास्ते पे जाता हूं अब मैं क्या कर सकता हूं, मार्केट से ज्यादा बेनिफिट कमा सकता हूं, मुझे कोई नया रिसर्च प्रोडक्ट मिल सकता है. इस किस्म के खर्चों को हम क्या करते हैं? डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं. ठीक है. डेवलपमेंट कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अगर ये क्राइटेरिया मीट होगा तो हम ये कंसिडर करेंगे कि ये डेवलपमेंट कॉस्ट है, ये रिसर्च नहीं है. तो क्राइटेरिया क्या है पहले उसको देखते हैं. ये सेक्टर क्राइटेरिया कहलाता है. क्या कहलाता है? सेक्टर क्राइटेरिया कहलाता है. नंबर वन, इट मस्ट बी ए सेपरेट प्रोजेक्ट. इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कॉस्ट वायबल, टेक्निकली फीजिबल, ओवरऑल प्रॉफिटेबल. Resources are available to complete the project. तो इससे क्या बना? सेक्टर क्राइटेरिया बना. बेटा आप इसी तरह याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा. अब जरा देखते हैं कि ये क्राइटेरिया है क्या, और जब ये सारी की सारी क्राइटेरिया मीट होंगी तब हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? डेवलपमेंट कॉस्ट कंसिडर करेंगे और एसेट लिखेंगे, वरना एक्सपेंस आउट होगा. हम उन तमाम रिसर्च को एक्सपेंस आउट करते हैं जो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते. जी बेटा ये क्लियर है? ताकि फिर क्राइटेरिया समझाऊं. बाकी लोग बेटा सारे कमेंट करो. सही है. जी शऊर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सही.
सही। शऊर बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बेटा, आप अभी देखेंगे कि ये सारे के सारे पॉइंट्स हम रिसर्च से ही देखते हैं। मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे पता चलता है कि नहीं, अब ये मेरी रिसर्च एक ऐसी तरफ जा रही है जो मुझे एसेट बना के दे सकता है, फिर हम उसको डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं। सही है। नंबर वन, व्हाट इज सेपरेट प्रोजेक्ट? सेपरेट प्रोजेक्ट शो करता है मैनेजमेंट के सीरियसनेस को। कैसे? अलग प्रोजेक्ट होगा, इसका अलग बजट होगा, इसकी अलग से अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट आपको कहता है मैं आपको कैंसर के लिए दवाई इजाद करके दे सकता हूं, क्या आप उसको पैसे दे देंगे? बल्कि उससे ये कहेंगे कि आप डिटेल प्लानिंग ले आओ, आप कैसे बनाओगे? तो वो डिटेल प्लानिंग देगा, उसमें ये देखेगा कि मैं होऊंगा, मेरे साथ कितने और साइंटिस्ट होंगे, मुझे क्या क्या मशीनरी चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, उस पर कितना खर्चा आएगा, और मेरे परफॉर्मेंस को आप कैसे अकाउंटेबल कर सकेंगे। इन सब चीजों को जब वो प्रोवाइड करता है तो फिर मैनेजमेंट की सीरियसनेस नजर आती है। अगर किसी प्रोजेक्ट को आपने, किसी भी एक्सपेंडिचर को आपने अलग से प्रोजेक्ट ही कंसिडर नहीं किया, जब अलग प्रोजेक्ट ही कंसिडर नहीं किया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? उसको अलग से अकाउंटेबल नहीं कर सकते। तो नंबर वन, इट मस्ट बी अ सेपरेट प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट सीरियस है, उसने बजट भी बना दिया है, उसने अकाउंटेबिलिटी के तरीके भी बता दिए हैं, तब आप उसको क्या कंसिडर करेंगे? सेपरेट प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट के लिए कंसिडर करेंगे। होपफुली ये बात क्लियर है। सेकेंड, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी मेजर्ड रिलायबली। उससे मुझे कितना फायदा होगा, मार्केट से मैं किस तरह से अलग नजर आऊंगा, मार्केट्स के मुकाबले में मैं कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, अगर ये मेंशन होगा तो आप कंसिडर कर सकेंगे। मैं इसको थोड़ा सा अलग कंसिडर कर लूं, व्हाट इफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे कि क्यों ना पाम आइलैंड की तरह हम पाकिस्तान में भी कोई जो मेरा टाइप कोई चीज बना दे, इस तरह यूएई में बना हुआ है। तो सबसे पहली चीज, अच्छा बताइए कैसे बनेगा, कितने पैसे उस पे आएंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे, क्या ये प्रोजेक्ट मुमकिन है या नहीं है, ये सारी क्राइटेरिया को देखेंगे। नंबर वन, उसने सेपरेट प्रोजेक्ट दे दिया क्योंकि उसने दुबई के लिए भी बनाया था, वही कंपनी अब पाकिस्तान के लिए बनाना चाहती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीरियस है कि इसको बनाए, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो वो ये भी बताएंगे कि इससे पाकिस्तानी इकोनॉमी को कितना फायदा होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने होंगे, वो रिलायबली मेजर हो सकते हैं या नहीं। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट ओपिनियन है तो आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। थर्ड सिचुएशन, कॉस्ट वायबल। व्हाट इफ अगर मैं कैंसर के लिए दवाई बना दूं और उसका एक टैबलेट 20 लाख रुपए का हो और उस आप दो टैबलेट्स आपको चाहिए, क्या लोग खरीदेंगे? जी बेटा, कैंसर का इलाज कितना, एक गोली 20 लाख रुपए की हो और इलाज के लिए दो गोलियां आपको चाहिए, तो क्या लोग खरीदेंगे?
मेरे ख्याल में मेजॉरिटी नहीं खरीद सकते, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी नहीं खरीद सकते, ठीक है। वो लोग जिनके पास पैसे हो, मतलब अमीर आदमी तो बच जाएगा, गरीबों का क्या होगा। फिर जो बिजनेसमैन है वो अमीर गरीब नहीं देखता, वो ये देखता है कि मैं अगर कोई मेडिसिन बनाता हूं क्या वो मार्केट में बिकेगा या नहीं। अगर सिर्फ अमीर ही खरीदेंगे और अमीरी में लेट सपोज कैंसर कम है, कैंसर के ज्यादा लोग गरीब लोग होते हैं लेट सपोज, तो वो नहीं बनाएगा। यार मुझे इसका फायदा क्या है कि मैं 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए लगा दूं और बदले में मुझे कोई 1 करोड़ रुपए का फायदा भी ना हो। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनकी डिफरेंट क्या बनती है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बाद आप ये देखते हैं डिफरेंट IRR बनता है। आप लोगों ने MA2 पढ़ा है, MA2 आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाले पोर्शन को तो अभी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। वहां आप पढ़ेंगे कि हर प्रोजेक्ट का, अच्छा जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो समझ जाएंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो फिर MA2 का वेट करें। मैं सिर्फ जनरल आइडिया दे देता हूं कि हर प्रोजेक्ट का क्या होता है, अलग एक IRR होता है कि अगर आप इससे परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे तो आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट बनता है, प्रॉफिट मेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है। लेट सपोज मैं इसको जरा आसान करता हूँ, मैं नॉर्मली 100 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो मेरा यहाँ पे IRR कितना है, 20% है। अब अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं और मुझे सिर्फ 8% का प्रोजेक्ट प्रॉफिट मिलता है तो मैं नहीं करूंगा, मैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दूंगा, 20% कमा लूंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज है उसको देखा जाता है कि क्या मुझे इस प्रोजेक्ट से कितने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्रॉफिट कम है तो हम लोग कंसिडर ही नहीं करते। तो नंबर 1 सीरियसनेस, बजट है, अकाउंटेबिलिटी है। सेकंड, आपके पास रिसोर्स, आप क्या कर सकते हो, रिलायबली मैयर कर सकते हो। थर्ड सिचुएशन, मार्केट से आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये आप जहन में रखते हुए काम कर रहे हो। तो छोटी चीज क्या है, टेक्निकली फीजेबल। अभी मैंने आपको पाम आइलैंड की एग्जांपल दे दी कि मैं पाकिस्तान में बनाना चाहता हूं, तो आपको ये कहा जाता है अच्छा जी आप कहाँ बनाएंगे, स्पॉट कौन सा होगा, आप कहते हैं जी कराची। साइंटिस्ट ने ये कह दिया कि कराची की जमीन रेतीली जमीन है। फिर उसके बाद जो अगला मसला है, कराची नीचे है समंदर ऊपर है, ठीक है, ये जो टेक्निकल चीजें हैं वो बताता चलूं। इस वजह से कराची के साहिल पे मुमकिन ही नहीं है कि पाम आइलैंड की तरह कोई चीज बनाया जाए, क्योंकि वो जेरियाब होगी हमेशा, यहाँ से पानी निकलने का ऑलरेडी मसला है कराची में, ऊपर से आप क्या करते हैं वहाँ पे एक सिटी बना देते हैं, तो सिटी भी जब आप समंदर पे बनाते हैं तो समंदर को आपने सतह तक ऊंचा करना होता है, वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं रेत पत्थर चट्टाने ये रखने होते हैं ताकि आप उसके लिए मजबूत बेस बना सको। तो उसका ख़तरा कराची को है कि कराची डूब जाएगा, इसलिए आप वहाँ पर नहीं बना सकते। तो आप कहते हैं जी हम लोग गवादर में बनाते। गवादर में एक और मसला है, गवादर का बड़ा मसला ये है कि ये डीप वाटर शोर है,
और ये इतना ज्यादा डीप है कि वहां पे आप बेस बना ही नहीं सकते। आप कितने पत्थर कितनी चीजें वहां पे रखेंगे ताकि वो सतह तक आप क्या कर सके उसको लेकर आए, ये मुमकिन ही नहीं है। तो ना ही कराची में बन सकता है ना ही गवादर में बन सकता है। से पाकिस्तान में कोई और इस किस्म का स्पॉट अगर है भी जहां पे बन सकता है, वो दूर दराज इलाके, वहां पे लोग नहीं आते। जैसे कि आपने देखा गवादर से भी ज्यादा फीजिबल एरिया पशीन का इलाका है, लेकिन वो डेवलप नहीं हो सकता क्योंकि काफी ज्यादा आप कह सकते पहाड़ी सिलसिलों को गुजर कर आपको पशीन जाना पड़ता है। कभी गए हो आप लोग? जी बेटा, कोई एक बंदा जो बलूचिस्तान में घूमा फिरा हो। कोई नहीं है। चलो खैर बेटा, आप लोग घूमे फिरे पूरे पाकिस्तान की सैर करें, ठीक है? बहुत कम जगह होगी जिसको मैंने नहीं देखा। तकरीबन मैं पूरे पाकिस्तान में घूमा फिरा हूँ। अच्छा जी, तो टेक्निकली फीजिबल अगर होगा तब आप काम स्टार्ट करेंगे, वरना फायदा ही नहीं है। ओवरऑल प्रॉफिटेबल आप जो मेरे बच्चे में ACCA के साथ ही घूमा फिरा हूँ, ठीक है? तो वो मसला नहीं है। इवन मैंने अफगानिस्तान के वो इलाके भी देखे हैं जो अफगानियों ने भी कभी नहीं देखे, ठीक है? तो ऐसे इलाके भी मैंने देखे हैं जो अफगानियों ने भी नहीं देखे। तो टेक्निकली फीजिबल का मतलब ये है कि क्या आप वहां पे वाकई में पाम आइलैंड बना सकते हो या नहीं? शऊर बेटा क्या मतलब? मैं कौन हूँ यार? मेरा नाम फहीम है, फहीम इलियास मेरा पूरा नाम है। मैं आप लोगों का टीचर हूँ, इसके अलावा मैं आपको क्या अपनी इंट्रोडक्शन करूँ? अच्छा जी, ओवरऑल प्रॉफिटेबल का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट है क्या आपको वाकई में कोई प्रॉफिट देगा या नहीं। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी IRR की, कि मेरा रेट ऑफ रिटर्न इंटरनल 20% है, अगर मुझे इससे ज्यादा का प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, अगर इससे कम प्रॉफिट मिलता है तो मुझे ये प्रोजेक्ट ही नहीं करना चाहिए, वही पुराने प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसी में इन्वेस्ट करने चाहिए। और आखिरी चीज, रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। लेट सपोज मैं और आप बैठते हैं, नक्शा बनाते हैं कि क्यों ना बलूचिस्तान काफी ज्यादा इलाका है, इस पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी बनाया जाए। आप कहते हैं सर बड़ा अच्छा आइडिया है, सारे मिलकर बैठते हैं नक्शा बनाते हैं, उस पर खर्चा कितना आएगा वो लिखते हैं, इसमें पूरा एक एक घर कितने का बिकेगा वो लिखते हैं, सारी चीजें आपके पास है, ठीक है? लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है, तो सारे का सारा क्या हो गया? खराब हो गया ना। या मैं कहता हूं मेरे पास 10 लाख रुपए है, क्यों ना मैं क्या करूं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू करूं। 10 लाख रुपए है वो सिर्फ बेसमेंट में ही लग गए, अब मेरे पास और पैसे ही नहीं है, तो मैं बिल्डिंग कभी नहीं बना सकता। हाँ, जो 10 लाख रुपए मेरे पास थे वो भी अब क्या हो गए, जाया हो गए, उस पे भी अब मैं कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि वो मैंने बेसमेंट में लगा दिए। तो इसीलिए जब तक आपके पास रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं है अवेलेबल, आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते, उस प्रोजेक्ट को शुरू करने की भी जरूरत नहीं है। होपफुली आप लोग समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं।
शऊर बेटा इन तमाम स्टेप्स में कोई भी स्टेप आगे पीछे हो सकता है। मैंने चूंकि ये सेक्टर लिखना था ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ये ऐसे भी हो सकता था कि रिसोर्सेज को पहले लिखो, फिर ओवरऑल प्रॉफिटेबल लिखो, फिर टेक्निकली फीजिबल लिखो, फिर लिखो सेपरेट प्रोजेक्ट, फिर लिखो इकोनॉमिक बेनिफिट और फिर कॉस्ट वायबल। ठीक है, कॉस्ट वायबल का मतलब ये है कि इज मार्केट अवेलेबल फॉर दिस आइटम, जो आइटम आप बना रहे हो उसके लिए मार्केट अवेलेबल है या नहीं है, ये कॉस्ट वायबल कहलाता है। ओवरऑल प्रॉफिटेबल का मतलब ये है कि मैं जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ उससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे ये वाला प्रोजेक्ट दे रहा है, ये ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो गया। होपफुली यहां तक आप लोग समझ गए हैं, यहां तक कोई क्वेश्चन? बेटा दोनों का डिफरेंस है, ओवरऑल प्रॉफिटेबल का मतलब ये है कि प्रॉफिट तो वो दे रहा है लेकिन क्या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है या नहीं, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी मेजर रिलायबली का मतलब ये है कि ये मुझे कितना ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। दोनों में फर्क है, एक उस प्रोजेक्ट के अपने प्रॉफिट की बात कर रहा है, ओवरऑल प्रॉफिटेबल तमाम प्रोजेक्ट्स का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट खुद भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए और कंपैरिजन में बाकियों से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल होना चाहिए। होपफुली अब क्लियर है। अच्छा जी स्क्रीनशॉट ले लें, पेज वन स्क्रीनशॉट। पेज टू जी बेटा यहां तक क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।